ये डीजल और पेट्रोल पे चल रही है और देश के दुनिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया तो साइकिल पे आ गए, वो जैविक है। जैविक का मतलब ये होता है कि कम से कम मशीनों का उपयोग करना, कम से कम यंत्रों का उपयोग करना। तो आपके आपका समाज जैविक होना चाहिए, आपका गांव भी जैविक होना चाहिए, तभी जैविक नीति आपकी सक्सेसफुल होगी। मेरे को बहुत सुन के आश्चर्य लगा, लोगों ने जब कहा कि आपके यहाँ पर लोग जो है ये विदेशों के बताए हुए चीजों के ऊपर चल रहे हैं, जबकि गांधी ने 100 साल पहले कहा था कि विदेशियों की नकल मत करो क्योंकि वहां गांव कम है शहर ज्यादा है। हमारे गांव ज्यादा है शहर कम है, ये गांधी ने 100 साल पहले कहा। तो हमको तो वही करना चाहिए जो गांव के चाहिए, लेकिन हमारी जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है, जितनी भी हमारी पॉलिसी है वो शहरों को लेकर है। आपको मालूम है हमारे देश में 6 लाख गांव है और केवल 4,000 है। इस 6 लाख गांव को 4,000 शहरों में फूसने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम मैं चालू कर रहा हूं। अगर आपके पास 1 किलो की बैग होगी, 1 किलो अनाज की बैग होगी, उसको अगर 1 क्विंटल अनाज अगर भरा तो क्या होगा बताइए, कहीं फट जाएगी। आपके शहर फट रहे हैं, पूरी तरह से फट रहे हैं और आपके जो दाने हैं वो निकल जाएंगे और आपके शहरों में गांव से आए हुए 5 लोग जो है दाने हैं वो निकल रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि आपने देखा होगा शहरों में अत्याचार बढ़ रहे हैं, शहरों में हिंसा बढ़ रही है, शहरों में आज एक रात में पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो शहरों में। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके किसानों के जो अर्जुन है ये बेचारे वो चक्रव्यूह में जाके फंस गए और बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम उनको कैसे निकलना, और उनको अगर निकलना होगा तो ये सामने आपके जो बोर्ड रहा है ना कि हमको रोजगार चाहिए, माफ करना हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको स्वरोजगार चाहिए। अपना खुद का बना है और हमारे सूरज में इतनी ताकत है। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भारत में होती है, औसत बारिश, और सबसे ज्यादा सूरज भी हमारे देश में चमकता है। इसके देश बावजूद भी अगर देश गरीब है इसका मतलब है हमारे यहाँ कोई गलती है। हमारी गलती नहीं थी, हमारे यहाँ पर हजारों सालों से जो खेती हो रही थी उनको हमने तोड़ा। जिन्होंने जैसा बोलते हैं पढ़ाई सिखाना पढ़ाना ये भारतीय संस्कृति नहीं है, शिक्षक भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विनोबाजी कहते हैं। भारतीय संस्कृति सीखना, किसान कभी अपने बेटे को नहीं सिखाता कि हल कैसे चलाना, वो खुद हल चलाता है, बेटा भी उसके साथ सीखते जाता है। हमारे कुमार गंगा जो गायक अपने बेटे को गाना कैसे गाते सिखाते थे, तो खुद गाते थे। आज वो ये रहा है कि शहरों के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उसमें टीचर सिखा रहा है आपकी कोई रीत। जब शिक्षक खुद ही नहीं करेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इससे स्कूल और कॉलेज में देखो हरिमन कॉलेज में 2 साल की लगातार कोशिश करेंगे स्वायत्त कॉलेज है और ये पूरे के पूरे कोर्सेज जो है ये राजभवन के लिखे आते हैं, तो आपको साइन कराने को मैं नहीं कहूँगा, क्या कोर्स हो ये आप तय करेंगे। मैं डॉक्टर कमल दत्त शर्मा को मानता हूँ, उन्होंने आदिवासी एरिया में जो काम किया था वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि ये गाँव नहीं है, महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में शुरू हो गया है कि गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ पे गाँव सरकार है। हमारे पूछे बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा, और भोपाल में मुंबई में हमारी सरकार है और दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन यहाँ कौन सरकार हमारे गांव में हमारा राज। ये जब तक आपके स्पिरिट नहीं आएगा, हमें एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आपके
बर्बादी में पानी की कमी है, आपको बताया और मैंने आपको बताया बॉम्बे में मेरे मित्र हैं फ्रांस के, वो कहते हैं कि आपको साल भर में अपने घर में आपके उद्योगों के लिए आपकी खेती के लिए जो पानी दे चाहिए वो भगवान दे रहा है, आपके ऊपर आपको दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसको हार नहीं कर रहे। नहीं सी देखो मतलब जब धन आपको दे रहे हैं मुफ्त में मिल रहा है उसका भार देख रहे हैं, वो कहते हैं समाज में रखो। अनुपस्थित कहते थे बड़ा ताला बना के बना एक एक बर्गर फूल के सब ताला बना आपने के, तो जब पानी आपके उसमें आएगा तो दबाव देगा नीचे। मेरे मित्र है कभी आप में से समय मिले आप जरूर जाइए देखने के लिए, देवास से मजेल जाते समय एक 25 किलोमीटर के ऊपर एक टोक कला गाँव है, टोक कला वहाँ पे मेरे मित्र अभी 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई प्रेम सिंह खींची और उसके 5 भाई वो राजेंद्र सिंह जी को मिलने गए थे सीकरी में, किताब हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या तो उन्होंने तालाब को उसने वहां से राजस्थान से ट्रैक्टर ले आया और 1 हेक्टेयर का तालाब उसका फायदा ये हुआ कि उसको गेहूं की इतनी फसल मिली, तो उसने कहा जाएगा बहुत अच्छा है। आप विश्वास करेंगे 5 भाइयों ने मिल के अट्ठा भी तालाब को अट्ठाई तालाब 5 भाइयों मिल गए तो मैंने उसको पूछा मैंने कहा खोदे या कागज के ऊपर पूरा आके गिन ले और मेरे जाते गिने हैं 28 तालाब। उसका फायदा क्या हुआ तो उस गांव के लोगों ने कहा कि हम भी तालाब खोदे। आज तो कला में वहाँ की जो जनसंख्या है वो 7 हजार और वहाँ पर 110 तालाब 110 तालाब है। टोप करा टोप टोप करा देवास सारी जाके देखते हैं आप वहाँ पर तो बाल्टी डाल के पानी निकाल दो कुएं में जाए और उसका फायदा ये होता है कि कुओं जो है कुओं में भी पानी आ गया। तो करना तो आप तो है सता कह की नहीं करेगी, भगवान ने आपको दिया है आप करिए उसको देखिए। तो जैविक खेती और कुछ भी नहीं है, आप जितने जितने प्रकार के झाड़ लगाओगे उतना आपका जो चारा है जानवरों का चारा जो है वो मस्त मिले। आपको अच्छा लगे एक बार और बता दूँ, हम सब लोग कहते हैं कि हमारे जो पुराने मंदिर हैं वो हजार हजार साल पुराने खड़े हैं, 800 साल खड़े हैं, उसकी धुलाई कैसे होती है? धुलाई होती है हमारे घरों के लोगों से, कहीं नहीं पढ़ा गया कहीं नहीं किसी ने सिखाया नहीं गया। हमारा कबीर का जो कहा है कबीर और भी बहुत से फल हैं जिनको उबाल के उसके पानी से उसकी धुलाई की जाती, इसीलिए 8-8 साल कुछ जुड़े हुए हैं। ये आपके इसका फायदा है और सबसे फायदा ये होता है कि आपके जो पत्ते नीचे गिरते हैं जमीन के अंदर वो पत्ते सड़ जाते थे, आपके जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ और जब 10 कार्बन के योग होंगे तब 1 नाइट्रोजन मिलेगा। समझ रहे केवल झाड़ लगा लेते ये फायदा होता है, पत्ते गिरने दो अलग अलग प्रकार के। और आपको ये भी बता दो हम जो प्लांटेशन करते हैं वो जंगल नहीं होते हैं, प्लांटेशन करने वाले दो हैं एक तो गिलहरी और दूसरे पक्षी। पक्षी को जिस झाड़ से प्यार होता है वो उसका अपने चोच में उसका बीज लेकर वहाँ पर डाल देता है, गिलहरी लगा के डाल देती है। आप जितने ज़्यादा पक्षी बढ़ाओगे आपके यहाँ उतने आपके झाड़ बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा झाड़ बढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा और जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ेगा उतना ज़्यादा नत्र अपने आप बढ़ेगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं 23 साल से खेती कर रहा हूँ, मैं न तो कोई खाद डालता हूँ न कोई कीटनाशक दवाई डालता हूँ। 2016 में मेरे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आई तो मैंने कहा मैंने मिट्टी का बढ़िया शांति ना सुनिए 9 साल तक मैंने कुछ भी नहीं डाला था तो मैंने कहा उसका परीक्षण मैंने करवाया ना कम हुआ ना फास्फोरस कम हुआ ना पोटैश कम हुआ, वो जो चीजें नहीं थी वो अपने आप खत्म हो गई।
कि सुमित्रा महाजन को मैंने बताया, सुमित्रा महाजन को मैंने एक और बताया, आपके खेतों में अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ों के ऊपर हरडी रहे। मैंने सुमित्रा महाजन को बताया कि जो अरंडी का बीज है, अरंडी के बीज से मैंने दोपहर को 2 बजे कंटिन जला के बताया। मैंने कहा मैंने डॉक्टर नहीं डाला, अरंडी के तेल से जला हुआ है, अरंडी के तेल में इतनी ताकत है, क्यों जाए, क्यों जंगल में जाए, बाजार से जाए, घास में नहीं खींचे, अरंडी रहिए। और अरंडी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अरंडी की जड़ों में एक माइक्रोबायोटा नाम का बहुत जरूरी सूक्ष्म जीवाणु होता है जो जमीन की उर्वरता बढ़ाता है। ये सब चीजें मेरे को आपको मेरे लिए मिली है।